Assalamu alaikum. I'm your teacher, Ms. Humaira. Today we are starting from the very first topic, that is the living world. Living world ko understand karne ke liye sabse pehle hame ye samajhna hoga ki life kya hai. Life is a unique complex organization of molecules. ये ऐसा यूनिक जो है प्रोसेस है जिसमें हर इंसान जानदार का जो है रहने सहने का तरीका, ग्रोथ करने का तरीका, रिप्रोडक्शन करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. All living organisms in self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Properties of living organisms, वो क्या खसूसियात हैं, क्या properties हैं जो living organisms की होती हैं और किसी की नहीं होती, like growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Growth. It is the increase in number and mass of cells by cell division. As you know के जो है cell जो है divide होता रहता है. Cell divide होता है इस ही की वजह से जो है हर इंसान grow होता है, growth phase से गुजरता है. In plants, growth continues throughout their lifespan. मतलब plants जो है सिर्फ जब die होते हैं, जब उन्हें कोई injury हो या उनका climate harsh हो जाए तो उनके survive करना मुश्किल हो जाए, वरना ये grow करते चले जाते हैं. लेकिन as compared to animals, अगर हम जानवरों की बात करते हैं या humans की बात करते हैं तो हम जो है एक उम्र पे आके हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है और हम मर जाते हैं. हमारी एक certain age है जो अल्लाह ताला ने रखी है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज. दिस नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स इस तरह से ग्रो करते हैं कि उनका थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो नॉन लिविंग ही रहते हैं. उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली कोई खसूसियत नहीं होती. नाउ वॉट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है न्यू वन जो है बॉर्न होता है जो कि अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो है जिनमें एक सिंगल सेल होता है और वो उसी से रिप्रोड्यूस करते हैं और वो सिर्फ सेल डिवीजन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो है ग्रोथ फेज से नहीं गुजरते, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, लाइक हाउस फ्लाई, वर्कर बीज एंड म्यूल्स. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता. मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हम फूड इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और ये एक ऐसी फीचर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शंस. अब जो है बात हो रही है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम एनिमल सेल ये होता है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड प्लांट सेल. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. एक से ज़्यादा जिसमें सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एनिमल्स के पास जो है सेल वॉल नहीं होती, और जबकि प्लांट्स के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है. Now the last feature of living organism is that consciousness. मतलब हमारे अंदर हर living organisms के अंदर एक sense होती है जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द की सलाहियत को महसूस कर सकते हैं और respond करते हैं, जैसे water, temperature, chemicals, pollutants. और ये खसूसियत सिर्फ humans में पाई जाती है कि उनके अंदर self consciousness होती है. और जो है organisms के अंदर, living organisms के अंदर ये भी ability होती है कि वो जो है अपनी surroundings के बहुत अवेयरनेस उनको होती है कि वो उससे रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर ये अवेयरनेस ख़त्म हो जाए तो हम अनकॉन्शियस कहलाते हैं, जिसको उर्दू में बेहोश भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी वो होती है कि कितने ऑर्गेनिजम्स और कितने टाइप्स के, किस तरीके के, किस तरह के एनिमल्स जो है अर्थ पर मौजूद हैं. इसे बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है. According to scientists, there are 1.8 million species on Earth. That is the huge diversity. So,
to solve this huge diversity, साइंटिस्ट ने जो है एक तरीका अपनाया, वो ये था कि उन्होंने टैक्सोनॉमी वो होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लीनियस ने, ये एक साइंटिस्ट था। और इसकी मदद से जो है ना, हमने स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट किया, उन्हें डिफरेंट क्लासेस में किया, और इसी वजह से जो है हम आज जो है स्पीशीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, वरना ये सब मिक्सअप होती, हम इनको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। As I have told you earlier that this was done by Linnaeus, a great scientist. अब बात यह आती है कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होती हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। वॉट इज़ कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल, देयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज आर डन by their structures, that how small or how large they are. Classification is the grouping of organisms into convenient categories, like कौन कैसा है, कोई plants को plants के group में रखा, fungi को fungi group में रखा, और animals को animals के group में रखा. Nomenclature is the final step in which naming of organisms are done. हम तो जो है नॉर्मल और कॉमन नेम से कहते हैं, बीज हैं, मैंगो है, लेकिन इनका एक साइंटिफिक नेम है। लाइक मैंगो इज़ कॉल्ड मैग्नीफेरा इंडिका एंड बी इज़ कॉल्ड एपिस इंडिका। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बोटैनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। Zoological names are based on international code for zoological nomenclature. क्योंकि जो है plants भी living organisms हैं और plants की भी बहुत सारी species हैं, इसलिए उनको भी जो है उनकी भी naming की गई। अब इसका तरीका होता है, अगर हम जो है computer से, मतलब laptops computer से करते हैं, तो हम इसे italic में लिखते हैं, लेकिन अगर हम handwriting करते हैं तो जो है हमें लाजमी इसको underline करके लिखना होता है। और इसका तरीका ये है कि फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड स्पीशीज़ होता है, और आखिरी में जो है हम ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने डिस्कवर किया था, लाइक लीनियस। टैक्सोनॉमी जो है में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज़ अ सेंटेंस, एक आसान तरीका ये है कि हम ऐसे याद करते हैं, King Philip crying only for good soup. K for King, P for Philip, C for class, and so on. This is the taxonomic hierarchy in which it is defined, the taxonomic hierarchy of humans, like kingdom, Animalia, phylum, Chordata, class, Mammalia, order, Primata, family, Hominidae, genus, Homo, and species is Homo sapiens. These are some generic names of some common species like mango, potato, nightshade, tomato, brinjal, lion, etc. हम जो है division कैसे की जाती है? सबसे पहले division का तरीका ये होता है, angiosperms में पहले dicotyledons को जो है divide रखा जाता है और फिर monocots को रखा जाता है। और कॉर्डेट्स में सबसे पहले क्लास एम्फीबिया आती है, देन क्लास रेप्टीलिया, देन क्लास एप्स, देन क्लास मैमेलिया। आर सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक कॉमन नेम्स एंड बायोलॉजिकल नेम्स, लाइक मैन इज कॉल्ड होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो इज कॉल्ड मैग्नीफेरा इंडिका, एंड वीट इज कॉल्ड ट्राइटिकम एस्टिवन। यू कैन रीड इन दिस स्लाइड ऑल्सो। दिस इज ऑल। I'm here with the next lecture, that is Animal Kingdom. Today I will discuss about Animal Kingdom,
Okay, to understand animal kingdom, we have to understand what is animal. As you all know that animals are multicellular, means उनके पास एक सेल नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा सेल से जो है एनिमल्स बनते हैं, और वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत नहीं रखते, वो दूसरी सोर्सेज से अपना फूड लेते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल मैटर एंड ऑल। एंड सबसे मेजर एनिमल्स में ये भी फ़र्क होता है कि एनिमल्स के पास सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स के पास होता है। एनिमल्स के पास सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। नाउ देयर आर 11 मेजर फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया दैट आर गिवन एज यू कैन सी पॉरीफेरा, निडेरिया, सिटोनफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्किहेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। Now we have to understand that what are the basis of classification, means किन वजूहात पे जो है हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबके जो है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर किसी की बॉडी अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई होती है। बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल एंड एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एज वी विल डिस्कस दीज इन नेक्स्ट स्लाइड्स ऑल्सो। सीलोम इज़ द बॉडी कैविटी। Metamerism is the segmentation of the animal's body. Notochord is also called a skeleton. Now, what are the levels of organization? There are four levels, that are cellular level, tissue level, organ level, and organ system level of organization. Cellular level of organization is that in which cells are arranged as loose cells aggregates, मतलब वो टाइटली पैक नहीं होते, लूज सेल्स होते हैं। इसमें जो है पॉरीफेरा आता है, किंगडम पॉरीफेरा, नो सॉरी नॉट किंगडम पॉरीफेरा, इट्स फाइलम पॉरीफेरा। एंड वॉट इज टिश्यू लेवल? इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर अरेंज इंटू टिश्यूज लाइक निडेरिया एंड सिटोनोफोर्स। Organ level of organizations are tissues are arranged into organs like higher animals, in this insects like platyhelminthes, two chordates are come under the organ level of organization. In organ system level of organization, it is associated to organ system. Each system performs a physiological function, means they have organs like humans. In this class, higher animals are the examples. Organs of different animals show complexities, means they are different from each other. There are two types of digestive system found in animals, that is incomplete and complete. In incomplete digestive system, it has only a single opening that act as mouth and anus. It contains nidaria and platyhelminthes. And the complete digestive system contains two separate openings of mouth and anus. Now the symmetry. Symmetry is the arrangement of similar body, where it means when we cut into half, तो जो है अगर हम body को half में cut करें तो वो equal parts में divide हो तो वो symmetrical होती है, और अगर नहीं half में divide हो equal parts में तो वो asymmetrical होती है। The body that cannot be divided into two similar parts is called asymmetrical. In this, mostly porifers and snails come under this example. And symmetrical body, as I told you, that it has been divided into two similar parts. अब symmetry की भी types होती हैं, that is radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry is that in which body is divided into two equal halves by any vertical plane along central axis, as you can see in this diagram also. In this, poriferans, nidarians come. Bilateral symmetrical is the division of body into right and left halves in only one plane. In this, echinodermata and platyhelminthes to chordates comes. Now,
The symmetry, the body of bilateral symmetrical animal has a dorsal upper side of animal body is called dorsal view, and the lower side of the animal body is called ventral. Left and right are lateral side, anterior cephalic side, and posterior, or in which the posterior side is that in which tail comes. As you can see in this diagram, here all the labeling is done. Now, the animals also contain germinal layers. These layers of embryo from which all the body organs are formed. That's why these are called germinal layers. Here animals germinate. And it is of three types: ectoderm, endoderm, and mesoderm. Now, what are the classification of germinal layers? A diploblastic animals have two germinal layers, that is ectoderm and endoderm. In between these layers, an undifferentiated jelly-like layer is called mesoglia is present. It is nidaria or Sitenfora comes under this example. A diploblastic animals contain all the three layers, that is ectoderm, the middle one is the mesoderm, and the inner one layer is the endoderm. In this, platyhelminthes, two chordates are the examples. Coelom. Now, coelom is called the body cavity of animals, their how their body parts are arranged. It is the cavity lined by mesoderm. It is seen between body wall and gut wall. Coelom separates the muscle of gut and body wall. Now, there are also three types of coeloms of animals: acoelomate, cetocoelomate, and coelomate. Acoelomate means the animals don't possess the body cavity. The space between body wall and digestive cavity is filled with matrix parenchyma. Cetocoelomate is also called a false coelom. Here the body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is scattered as pouches, as you can see in this diagram. इसमें जो है ना मीजोडर्म जो है नज़र नहीं आती, फॉल्स होती है बस, वो पाउच की शक्ल में, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, राउंड राउंड जो है नज़र आ रही है. नाउ सीलोमेट. हेयर सीलोम अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म, मतलब इधर जो है सीलोमेट प्रेजेंट है, एंड इट इज लाइन बाय पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूड. एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स कम अंडर दिस एग्जाम्पल. As you can see, the space between body wall and digestive cavity is filled with matrix parenchyma. Here, the in pseudocoelomate, the body cavity is not lined with mesoderm, and in the coelomates, the coelom arises from mesoderm. Coelom is lined by peritoneal layer. In this diagram, it is explained very clearly. I am back with the next lecture today. टुडे आई विल डिस्कस ईच फाइला इन डिटेल. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये किया था लेक्चर में कि जो है किंगडम एनिमिलिया के ओवरऑल फीचर्स पढ़े थे, अब आज के लेक्चर्स में जो है हम ईच फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ओवरव्यू लेके चलते हैं कि किंगडम एनिमिलिया था क्या. एज यू नो दैट देयर आर सेवरल फाइलम्स इन किंगडम एनिमिलिया. There are Poifera, Nidaria, Platyhelminthes, Aschehelminthes, Annelids, Arthropods, Mollusk, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. So let's see the levels of organization. The phylum Poifera is a cellular organized phylum, and it has no germ layer. And the body symmetry is asymmetrical and radial, and the coelom is एसिनोमेट. ये सबको हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं. नाउ द फाइलम निडेरिया, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू, जर्म लेयर इट कंटेन इज डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री इज रेडियल, सीलोम इज एसिनोमेट. प्लैटीहेल्मिंथेस, इट हैज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बोथ, एंड दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, सिमेट्री इज बायलेटरल, बट दे आर एसिनोमेट. Aschehelminthes,
In Heskey helminthes, level of organization that they have organ system, germ layers are diploblastic, they are bilaterally symmetrical and have pseudocoelomate. Annelids, arthropod, mollusk, echinodermata, hemichordata and chordata are organ system, germ layers are diploblastic, they are bilaterally symmetrical and have coelomates. Now, moving on, the very first phylum, that is phylum Porifera. Now, what we will discuss about phylum Porifera are their levels, body symmetry, germ layers, habitat and so on. Moving on, the level of organization, the phylum of Porifera is that they are cellular. Mostly, they are asymmetrical and only some of them are radial. They have no germ layer and they are acoelomate. Habitat. Habitat किसे कहते हैं? Habitat वो होता है जहाँ पे जो है animals रहते हैं, उनके रहने की जगह. कुछ जो है dry पे रहते हैं, कुछ sand पे रहते हैं, कुछ marine होते हैं. तो जो है ये होता है habitat. तो phylum Porifera are aquatic, means they are marine. Sedentary, attached. Solitary और colonial, means ये अकेले भी रहते हैं और colonies मतलब ग्रुप्स की शक्ल में भी रहते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइलम Porifera जो होता है इनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और इनकी डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होती है. ठीक है, मतलब डाइजेशन इनसाइड द सेल्स, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इनका अलग से नहीं होता. ना ही इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मींस दोनों. हर्माफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मतलब मेल भी होते हैं ये लोग और फीमेल्स भी होते हैं. और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक फीचर्स जो मतलब और किसी फाइलम में नहीं पाई जाती. इनमें जो है वाटर कैनाल सिस्टम होता है, मतलब जो है वाटर एंटर होता है टाइनी पोर्स के जरिए, मतलब इनमें बहुत छोटे 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 सुराख होते हैं स्पोर्स की शक्ल में, जिससे वाटर ईजली एंटर हो जाता है इनकी बॉडी कैविटी के अंदर, विच इज कॉल्ड द ऑस्टिया. माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड द सेंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड स्पंजोसील, मीन्स द सेंट्रल पार्ट हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम. कैनाल सिस्टम इज यूज फॉर फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. ये जो स्पोर्स होते हैं इसमें जो है फूड जमा होता है, गैशेस एक्सचेंज होता है और जो है जो ज़्यादा पानी होता है वो रिमूव हो जाता है ईजली इन स्पोर्स के जरिए. ठीक है, नाउ बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्पेक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स, मतलब इनमें जो है स्पेक्यूल्स, स्पेक्यूल्स मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट्स लेबल्ड ग्लास लाइक स्पेक्यूल्स, कांटे जैसे होते हैं. ये इनमें इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि जो है अगर इन पर कोई अटैक्ट हो तो ये जो है अपने आप को बचा सकें. हाउ टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द अटैक. Examples. Examples of phylum Porifera are Cycon, Spongula. Spongula is a freshwater sponge. And Euspongia. It's a bath sponge. Okay. This is the whole overview we have discussed of phylum Porifera. Okay. Now the next is phylum Cnidaria. The organization in themselves is that they are tissue. The level of organization is this. It is tissue level organized, means it contains tissues and they are radially symmetrical and they have two germs layer only. That's why they are diploblastic and they don't possess a coelome, means body cavity. Now what is the habitat of phylum Cnidaria? That they are also marine. Sessile or free swimming, means they swim in water or they occur in a solitary or colonial forms.
Now, digestive system of phylum Cnidaria are incomplete. Here also intracellular digestion occurs, and respiratory and circulatory both systems are absent over here. इनके यूनिक फीचर्स ये होते हैं कि इनके पास टेंटिकल्स और नीडोब्लास्ट होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स का भी काम यही होता है कि कांटे जैसे होते हैं जिसकी मदद से जो है ये अपना फूड जो है कैप्चर करते हैं और अपने बॉडी को जो है फॉरेन अटैक से बचाते हैं, मतलब वो डिफेंस का काम करते हैं इनके टेंटिकल्स और नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स विद अ पॉइजन फिल्ड कैप्सूल कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। ये इसीलिए पॉइजन होता है उसके जो है टेंटिकल्स पे, ताकि जो है अगर कोई अटैक हो तो वो पॉइजन जो है होस्ट को लग जाए, फॉरेन अटैकर्स को लग जाए, ताकि वो जो है मर जाए। द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम नेडेरिया आर हाइड्रा, उबीलिया, साइलिया, एडेंसिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया एंड मेंडेरना। These are the scientific names. They have also common names like brain coral, sea fan, sea pan, physalia, and many more, as you can see. Now, this is also the phylum Cnidaria characters at a glance. This is the whole overview. Now, the very next phylum is phylum Cytinphora, comb jellies or sea walnuts. They are also called as comb jellies. Grades of organization, they are also tissue grade. Symmetry of these phylum is that they are radially symmetrical. Now, germ layer, they also contain diploblastic germ layer, means they have only ectoderm and endoderm, they lack the mesoderm. Coelom, they also don't possess any coelom, that's why they are called acoelomate. They are marine and solitary and pelagic. Digestive system of these phylums are incomplete, and here both intracellular and extracellular digestion occurs. Respiratory system is also absent, circulatory system is also absent. Reproduction is only sexual, no asexual reproduction takes place. They are hermaphrodite, means male and female both types they have, and they have external fertilization, means fertilization outside the body, and development is indirect. Unique features of this phylum are the locomotion. Locomotion is also called the movement, is by 8 vertical external rows of ciliated comb plates. Means 8 external जो rows होती हैं उस इनको comb भी कहते हैं, क्योंकि इनका structure आप देखें ये कांटे कांटे जैसा है, इसलिए इसको comb like structure भी कहा जा रहा है, कंघी जैसा। इस comb like structure पे जो है tentacles होते हैं और ये move करते हैं, और tentacles का वही काम है इधर भी जो दूसरे phylum में था, कि वो जो है food capturing और invasion from the host foreign attack से जो है काम के लिए होते हैं। Unique features, एक इसकी बहुत ज़बरदस्त बात ये है कि जो है इन जो ये comb like jellies होती हैं fishes, जैसे marines, मतलब ये पानी में ही पाई जाती हैं, तो इनके ये फीचर है कि इनके बॉडी में नेचुरली लाइट इमिट होती है, मतलब ये चमकते हैं, लाइट प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। और जो है अभी जब साइंस हमारी तरक्की कर रही है, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है बहुत सारी चीज़ों में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इसका रोल प्ले होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम Cytinphora आर प्लूब्राचिया एंड सिटोप्लाना। These are bioluminescence jellies, fishes. No, they are not called fishes, but they are jelly-like structures they have. This is also an overview of phylum Cytinphora. Now, the very next is phylum Platyhelminthes. They are also called flatworm. Now, the grades of organization. Here, they have organ and organ system both. In this phylum, tapeworm and phylum Planaria also occur. Planaria, sorry, not phylum, example is Planaria. These are worm types
as you can see in the diagram. They are bilaterally symmetrical, means they can be symmetrized. When we cut them, ये equal parts में जो है divide हो सकते हैं. Germinal layers, they are triploblastic, मतलब इनके जो है तीनों germ layers present होती हैं, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. They are also acoelomate. They doesn't have a body cavity. Habitat. ये ज़्यादातर जो है जो worms होते हैं ये जो है free living होते हैं, और ये जो है ये कभी कभी ऐसी बीमारी भी cause करते हैं जिसको हम कहते हैं हमारी body में भी होते हैं worms, जिसे हम कहते हैं कीड़े हो गए हैं पेट में, तो जो है ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं. लेकिन ज़्यादातर जो इनका रहने का जो मतलब ये जहाँ रहते हैं वो जो है एक्वेटिक है, और ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं और जो है फ्री लिविंग भी होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट नहीं होता, इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो है क्या कहते हैं माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है, एज़ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑल्सो एबसेंट. रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल भी होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये लोग भी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मींस इनसाइड द बॉडी. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस एंड दे हैव मैनी लार्वल स्टेजेस एज यू कैन सी इन द डायग्राम. यूनिक फीचर्स इस फाइलम की ये है कि जो है अनसेगमेंटेड, मतलब इनमें सेगमेंट्स नहीं होते, और इनकी बॉडी बहुत फ्लैट होती है टेप की तरह. इसमें टेप वर्म्स भी आते हैं और जो है एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स. इनमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, उसकी मदद से जो है इनकी एक्सक्रीशन होती है बॉडी से. फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस एक और यूनिक फीचर्स ये है कि पिछली जो फाइलम हमने पढ़े उनके पास टेंटिकल्स थे. जो प्लैटिहेल्मिंथेस होते हैं वर्म्स होते हैं इनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं, ये भी जो है उसी का काम करते हैं. सकर से जो है इनकी जो न्यूट्रिशन होती है, जो इनका खाना होता है, वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी जो है बॉडी पर, ताकि ये भी जो है सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हर एज यू नो हर लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. अब वो जैसे भी लें उनके डिफरेंट तरीके होते हैं. इस फाइलम में जो है पॉर्क टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया ये एग्जाम्पल्स हैं. ये पूरी जो है उसका ओवरव्यू है फाइलम का. नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट फाइलम, डैट इज फाइलम एस्किहेल्मिंथेस. इसमें राउंड वॉर्म्स होते हैं, मीन्स इन ये बिल्कुल राउंड शेप के होते हैं, गोल होते हैं, सर्कल. दे हैव ऑर्गन सिस्टम और जो है ये जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं. मेल एंड फीमेल्स बोथ जो है प्रेजेंट होते हैं, और जो है ये जो है क्या कहते हैं ये भी बॉडी में हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. कि ये जो है आई वॉर्म, देखिए कैसा आग के लेंस में जो है वॉर्म है. ये बहुत ख़तरनाक किस्म के जो है होते हैं वॉर्म्स होते हैं, जो बहुत जो है बॉडी में आ जाते हैं तो नुकसान देते हैं, और ये बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं. जर्मिनल लेयर्स, इनके पास भी तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. दे आर सीडोसीलोमेट. सीडोसीलोमेट मतलब इनकी जो है बॉडी कैविटी फॉल्स सीलोम होता है. फॉल्स सीलोम होता है मतलब जो है नज़र तो नहीं आता, उसको कोई काम भी नहीं हो रहा होता, फॉल्स होता है, बस कहने को होता है. हैबिटेट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं. लिविंग फ्री लिविंग है, कहीं पे भी रह लेते हैं, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं. प्लांट्स में भी अगर चले जाएँ तो भी प्लांट्स को खा जाते हैं, नुकसान दे देते हैं, जैसे कि आपने देखा है ग्रास वगैरह पे या फूलों के पत्तों पे जो है ये नज़र आ रहे होते हैं, साफ चलते हुए नज़र आते हैं, और ये फिर इनको खा जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मींस माउथ और एनस दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होता. ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, एज यू कैन सी
कि इनके पास फेरिंग्स भी होता है, इंटेस्टाइन भी होता है, इनके पास सब कुछ कंप्लीट होता है। ये जो है इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट होते हैं, और रिप्रोडक्शन इसकी डिफरेंट तरीके से होती है, मीन्स डायशियस होती है, मतलब मेल्स में अलग तरीके से होती है, फीमेल्स में अलग होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि ये जो है इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट भी जो है दो तरीके से होती है, डायरेक्ट भी और एग्जाम्पल्स इसकी ये हैं एस्केरिया, हुक वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फाइलम एस्किहेल्मिंथेस, दीज आर द सम डायग्राम्स। नाउ द वेरी नेक्स्ट इज फाइलम एनिलेटा। एनिलेट्स हैव रिंग एंड सेगमेंटेड बॉडी। अभी जो हमने पिछले जो है दोनों फाइलम्स पढ़े उनमें जो है सेगमेंट्स नहीं थे बॉडी में, लेकिन जो है एनिलेट्स होते हैं इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब खाने छोटे 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 जो है पोर्शंस होते हैं जिसको हम सेगमेंट्स कहते हैं, अगर हम इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। नाउ द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव इज द ऑर्गन सिस्टम। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कैसे इनके सेगमेंट्स बने हुए ना, छोटे छोटे पोर्शंस, स्मॉल पोर्शंस। सिमेट्री, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जर्मिनल लेयर्स, दे हैव ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिलेट्स आर सीलोमेट, दे कंटेन अ बॉडी कैविटी। हैबिटेट मरीन, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर, दे आर पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मीन्स इनके पास जो है गिल्स होते हैं जिसकी मदद से जो है ये रेस्पिरेशन जो है करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, इसमें जो है अर्थ वॉर्म और जो है लीचेस जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं, मोनोइशियस एंड डाइशियस। मीन्स डाइशियस मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं, मोनोइशियस मतलब या तो एक ही, कोई सेक्स ही नहीं होता, बस एक ही होता है, या तो आइदर मेल और फीमेल। इसकी एग्जाम्पल में जो है लीचेस, अर्थ वॉर्म और सैंड वॉर्म आ जाते हैं। इनमें देखिए कैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो इनको सेगमेंट कर रहे हैं। दिस इज द होल ओवरव्यू। एंड नाउ एनिलेट्स जब काटते हैं तो इस तरह से काटते हैं, ये बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं पैरासाइट्स। नाउ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंट लेग्ड एनिमल्स, मीन्स इनकी जो है लेग्स होती हैं वो जॉइंट होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स दे कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। जर्मिनल लेयर्स, इनकी भी तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सीलोम भी इनमें प्रेजेंट होता है। हैबिटेट, ये जो है हर जगह पाए जाते हैं, एज यू कैन सी एन एग्जांपल इज बटरफ्लाई, ये जो है कहीं पे भी, फ्लावर्स पे, लैंड पे, मरीन में, हर जगह, ये हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होता है, मींस जो है अलग अलग ओपनिंग्स होती है माउथ की भी और एनस की भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है इनके पास जो है चार तरह के ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है ना बुक की तरह के होते हैं, इसलिए उसको बुक लंग्स कहा जाता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है, ब्लड इज पम्प बाय अ हार्ट इन टू द बॉडी कैविटीज, मतलब जैसे हार्ट से जो है ब्लड पम्प होता है और वो फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में जो है वो हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ द रिप्रोडक्शन इसमें डाइशियस होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और दे आर एग लेइंग एनिमल्स, फाइलम आर्थ्रोपोड्स, ये जो है एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। बटरफ्लाई के जो है एग्स ऐसे होते हैं एज यू कैन सी, और इसके भी स्टेजेस होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, देन एडल्ट। नाउ जो है इनकी यूनिक फीचर्स क्या है कि इनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, मींस इनके जो है सब जो है लेग्स जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं। बॉडी के जो है थ्री रीजन्स होते हैं, मतलब हेड, थ
thorax and abdomen. Body is covered by chitinous cuticle, मतलब chitin एक material होता है, इससे इनकी body cover हुई भी होती है. और organs इनके पास क्या होते हैं, antenna, as you can see in this diagram, it's labeled over here. So, इनके पास eyes भी होती हैं और organs इनके सारे balanced organs होते हैं. इसकी example में spider, butterfly, prawn, crab, scorpion और कुछ insects भी आ जाते हैं. Honey bee, Aedes aegypti, it's a mosquito, housefly, and locusts and king crab. These are all the examples of phylum Arthropoda. This is the overview. Now phylum Mollusk. ये जो है second largest phylum है, phylum Mollusk का. ये इनकी जो body होती है ना बहुत soft होती है. इन animals की खास बात यही होती है कि इनकी body बहुत soft होती है. और इनके पास भी जो है ऑर्गन सिस्टम होता है, इसमें स्नेल्स आते हैं. सिमेट्री, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इनकी तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इनके पास भी तीन ट्रू सीलोम होता है, मतलब दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स. ये ज़्यादातर जो है एक्वेटिक होते हैं, कुछ ही होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कम्प्लीट होता है. रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनके पास गिल्स होते हैं, क्योंकि ये जो है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक में भी आते हैं, तो इसलिए इनके पास जो है गिल्स होते हैं. और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं उनके पास पल्मोनरी सैक होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप होता है, मीन्स हार्ट ही इनका ब्लड पम्प करके फिर दूसरी बॉडी पार्ट्स को जो है सप्लाई करता है. रिप्रोडक्शन डाइशियस होती है. ये भी एग लेइंग एनिमल्स हैं और इनकी जो है डेवलपमेंट जो होती है आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली होती है. इनकी बॉडी में क्या होता है, विजरल मास. विजरल मास एक तरह से शेल, जिसे आपने देखा है स्नेल के ऊपर होता है शेल जैसा, वो भी वो इसका काम कर. विजरल मास मीन्स ये होता है कि बहुत भारी होता है, जो कि इनको जो है ना मदद करता है अटैकिंग में. ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हर एनिमल, हर फाइलम के पास इसलिए अल्लाह ताला ने दी हैं ताकि इन पे भी अटैक्ड होता है तो वो अपने आप को किस तरह बचाएं, क्योंकि ये लोग गन्स वगैरह से तो फाइट नहीं कर सकती ना, तो इसलिए इनके पास जो है शेल्स, टेंटिकल्स, इस टाइप की चीज़ें अल्लाह ताला ने इन्हें दी हैं, जो कि जो है ना जब ख़तरा होता है तो वो महसूस करती हैं और फिर इनको बचाती हैं. यूनिक फीचर्स, इनके पास गिल्स होते हैं जो मतलब जो रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, जो कि जो है क्या कहते हैं एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, और वो फेदर्स जैसे होते हैं, पर जैसे. और जो है मेंटल, द मेम्ब्रेन विच कवर्स विजरल मास, एक जो है एक लेयर होती है उसे मेंटल कहते हैं, जो उस जो शेल वगैरह को होती है उसे कवर करती है उसे मेंटल कहते हैं. और रेडुला क्या होता है, रेडुला वो होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्क, इट इज़ यूज फॉर फीडिंग, मतलब वो खाने के लिए काम आता है. दिस इज़ द होल लेबलिंग ऑफ द फाइलम मोलस्क का. दे हैव एनस, मेंटल, गिल, सीलोम, हार्ट, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ऑल. एग्जाम्पल्स आर एप्पल स्नेल, पर्ल ओइस्टर, सीप या कटल फिश, लॉली जो, स्क्विड, ऑक्टोपस, सी हेयर, टर्क्स शेल एंड काइटॉन. दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द होल फाइलम. नाउ द वेरी नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. दे हैव स्पाइनी स्किन, मीन्स कांटेनोमा की जो है बॉडी होती है, इनकी जो स्किन होती है. और जो है इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है. ये जो है जब ये एडल्ट स्टेज पे होते हैं, मीन्स पूरे इनके जो है स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. और जब ये लार्वा स्टेज पे होते हैं, मीन्स जब वो ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. जर्मिनल लेयर्स, इनके पास जो है तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ये सीलोमेट होते हैं, इनके पास ट्रू सीलोम होता है. और जो है ये मरीन हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं मोस्टली. और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका जो है कंप्लीट. इनकी यूनिक फीचर ये होती है कि इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसकी मदद से जब वाटर एंटर होता है स्मॉल प्लेट्स के ज़रिए, प्लेट्स जैसी होती हैं,
उसके जरिए वाटर एंटर होता है, जिस उस प्लेट का नाम होता है मेटरोपोराइट, और जो है फिर वो जो है दूसरी कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्यूब फीट और पोडिया, और जो है ये लोकोमोशन करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है एक तरह से मूवमेंट को कहते हैं, और इनमें रेस्पायरेशन होती है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी इधर ही होता है। इसकी एग्जांपल्स में स्टारफिश, सी अर्चिन, इकाइनोडेर, कार्डियम, सी लिली, ब्रिटल स्टार और सी क्यूकम्बर इसकी एग्जांपल्स हैं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल्स आल्सो के जो है इनकी स्पाइंस कांटे कांटे जैसी इनकी स्किन है। ये पूरा ओवरव्यू है। नाउ द वेरी नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, मतलब ये पहले जो है फाइलम कॉर्डेटा में ही इसे पुट किया गया था, लेकिन जो है फिर इनकी जब इनको स्टडी किया गया, इनकी फीचर्स को चेक किया गया, तो वो डिफरेंट थी, तो इसीलिए इसका जो है अलग फाइलम बनाया गया, फिर इसे हेमिकॉर्डेटा का नाम दिया गया। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लिव्स इन मरीन वाटर, मरीन एंड जो है आर सीलोमेंट्स, और रिस्पायरेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, और रिस्पायरेशन इनकी गिल्स के थ्रू होती है। गिल्स हर ज़्यादातर गिल्स जो है ना, हर मरीन एनिमल्स जो होते हैं उनमें गिल्स ही होते हैं, लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं, वो लंग्स का ही काम करते हैं, मीन्स उधर रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस होती है। और जो है इनका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप होता है, मीन्स के जो है हार्ट जो है ब्लड पम्प करता है, और वही सारे जो है दूसरे अदर पार्ट्स को सप्लाई करता है। रिप्रोडक्शन डाइशियस होती है, फर्टिलाइजेशन जो है इनकी एक्सटर्नल होती है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। यूनिक फीचर्स इनकी ये है कि वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, मतलब जैसे वर्म्स की बॉडी होती है इनकी भी वैसी ही होती है, और जो है कॉलर बेयर स्टॉर्म कॉर्ड रिड्यूमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है स्केलेटन होता है, मतलब इनका जो है इनके पास कॉलर बेयर्स होती हैं जो नोटोकॉर्ड का काम करती हैं। एग्जाम्पल्स इसकी टंग वॉर्म एंड सेकोग्लॉसिस हेमिकॉर्डेटा की एग्जाम्पल्स हैं। ये पूरा ओवरव्यू है। नाउ द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। स्लिट्स मतलब प्लेट्स जैसी होती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लैक्सीबल रॉड लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो। ये एक रॉड जैसी होती है नोटोकॉर्ड, जो कि बॉडी के बिल्कुल बीच में मौजूद होती है, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में होती है, एम्ब्रियो स्टेज पे प्रेजेंट होता है। फाइलम कॉर्डेट्स में जो है दूसरे कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के मुकाबले में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो यही डिफरेंस है कि इनके पास नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जो और दूसरे कॉर्डेट्स के पास नहीं होती। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। बाकी कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल होता है, डॉर्सल नहीं होता, सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ये भी मरीन है इसलिए इनके पास गिल स्लिट्स हैं, और ये बाकी कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती हैं, स्लिट्स नहीं होती, गिल्स होते हैं लेकिन गिल स्लिट्स नहीं होती, स्लिट्स प्लेट्स जैसी। वेंट्रल हार्ट होता है इनके पास, और पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, मीन इनकी टेल होती है, और दूसरे नॉन कॉर्डेट्स में टेल एब्सेंट होती है, और इनके पास डॉर्सल हार्ट होता है, वो भी सब में नहीं होता, कुछ के पास होता है। फाइलम कॉर्डेट्स जो हैं इनके सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज पे, ठीक है। बॉडी जो है कवर्ड बाय टेस्ट मेड ऑफ ट्यूनिसिन, एक तरह का केमिकल वगैरह टाइप का होता है जो इनकी टेस्ट जो है इनकी बॉडी उससे कवर होती है, और ये भी मरीन होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मींस मेल एंड फीमेल बोथ। इसकी एग्जांपल में साल्पा, डायोलोलम, एस्कीडिया,
These are the examples. Now cephalochordata. Cephalochordata में ये होता है कि इनकी नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन, मतलब इतनी लंबी होती है नोटोकॉर्ड, जो रॉड होती है ना इतनी लंबी होती है, हेड से लेके टेल तक होती है, और वो थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है, जब तक ये लोग होते हैं जब तक वो प्रेजेंट रहती है, और इनकी बिल्कुल फिशेज जैसी बॉडी होती है, और जो है ये भी मरीन होते हैं, और इनके सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं. इसमें जो है ब्रैंकियोस्टोमा इसकी एग्जाम्पल है, इसमें एम्फीशियस एंड लैंसेलेट जो है आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में. फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा में जो है नोटोकॉर्ड जो होती है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड तक रहती है और फिर वो जो है ख़त्म हो जाती है. नोटोकॉर्ड जो है इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बॉडी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, मीन्स फिर ढांचा स्केलेटन जैसे कहते हैं ना, नोटोकॉर्ड ख़त्म होके फिर वो जो है क्या कहते हैं कार्टिलेजिनस बॉडी बोनी स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाता है. इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, किडनीज अलग से होती हैं एक्सक्रीशंस के लिए, और फिन्स और लिम्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं ये जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा की सब क्लासेस कौन सी हैं, पाइसेस, टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया. मेमेलियाज आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड कम्स इन द फाइलम ऑफ मेमेलिया, मीन्स वी आर मैमल्स एज यू ऑल नो. नाउ डिस्कसिंग ईच फाइलम, सब फाइलम लाइक क्लास साइक्लोस्टोमेटा. दीज आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, एलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर एस्पायरेशन, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, इनके जॉज नहीं होते, कार्टिलेजस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है इनमें, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, मरीन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉइंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉइंग दे डाई, मतलब ये मर जाते हैं जब ये फ्रेश वाटर के पास आते हैं, इनमें स्पॉइंग होती है फिर ये मर जाते हैं. और जो है क्या कहते हैं इनके पास जो है अब जो है सब क्लास पाइसेस, पाइसेस में बेयर फिन्स, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस आती हैं. क्लास कॉर्निकाइट्स इस, ये जो मरीन होती हैं स्ट्रीमलाइंड होती हैं, इनकी बॉडी जो है मतलब लाइंस होती हैं इनकी बॉडी में, और नोटोकॉर्ड जो है इनकी थ्रू आउट देयर जो है लाइफ साइकिल जो है इनकी भी जितनी भी लाइफ होती है इनकी जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है. ऑस्टियोथाइस में ये होता है कि मरीन लिविंग भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर लिविंग जो है फिशेज होती हैं, इनके पास जो है बोनी स्केलेटन मौजूद होता है, और जो है इनके पास टर्मिनल माउथ होता है, और इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड. एंड जो है इनकी जो क्लास कॉर्निथाइस होती हैं, इनकी स्किन जो है उस पर पैलाकोइड स्केल्स होते हैं, और टीथ इनके बहुत मॉडिफाइड होते हैं और शार्प होते हैं, जिसकी मदद से जो है ये जो है क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं ये जो अटैक करने में मदद करते हैं, फूड को काटने में मदद करते हैं, बहुत ही शार्प टीत होते हैं. इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, और ये जो है इसलिए जो है ये हर वक्त स्विम करते रहते हैं, क्योंकि अगर एयर ब्लैडर होता तो ये फिर कभी रुक जाते, लेकिन एयर ब्लैडर की वजह नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये अगर नहीं स्विम करें कॉन्स्टेंटली तो ये डूब जाए. नाउ द सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें एम्फीबियंस आते हैं. एम्फीबियंस जो हैं मरीन भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मींस के जो है ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, आइदर पानी में भी और ज़मीन खुश्की पे भी, और इनके पास हेड होती है, ट्रंक होती है, और कुछ के पास टेल भी होती है. इनकी स्किन जो है उस पर स्केल्स मौजूद नहीं होते, और इनके पास लिम्स होते हैं, और इनके एयर्स को टिम्पैनम कहते हैं, और इनके पास जो है 3 चैम्बर का हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल जो है प्रेजेंट होती है.
क्लास एम्फीबियंस की एक और बात भी है कि इनके पास एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स इनके पास मौजूद होते हैं। रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स। जब ये लार्वा स्टेज पर होते हैं, मीन्स ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं, तो गिल्स पर होते हैं। फिर उसके बाद जो है इनके पास लंग्स और स्किन होती है, जिसकी मदद से जो है ये रेस्पायरेशन होती है। सेक्सेस इनके पास जो है सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होती है इनकी। एम्फीबियंस में फ्रॉग्स आते हैं, टेट्रापोड्स आते हैं, सेलेमेंडर फिश आती है, लिमलेस एम्फीबियंस आते हैं। अब जो है क्लास, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है और इसकी सुपर क्लासेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। टेट्रापोडास में क्लास रेप्टीलिया भी आती है, मीन्स रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है बहुत ड्राई और कॉर्निफाइड, मीन्स जो है इसमें जो है ना सेगमेंट्स होते हैं, अजीब सी खुरदुरी जिसे कहते हैं, उस टाइप की इनकी स्किन्स होती है। उस पर स्केल्स भी होते हैं। इसमें लेजर्ड्स ज़्यादातर आती हैं। इनके पास लिम्स होते हैं, दो लिम्स होते हैं, टू पेयर्स होते हैं। क्रॉलिंग करती हैं ये असल में ज़मीन पे, लाइक स्नेक्स। और जो है इनके पास भी टिम्पैनम होते हैं जो एयर का काम करते हैं। इनके पास थ्री चैम्बर्ड का हार्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ड होता है और रिस्पायरेशन जो है इनकी लंग्स के थ्रू होती है। रेप्टाइल्स में एग्जांपल्स लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ट्री लिजर्ड, टॉर्टॉइस, टर्टल्स, गार्डन लिजर्ड, एलिगेटर्स। इसमें लिजर्ड्स की ज़्यादातर टाइप्स आती हैं और स्नेक्स की। क्लास एव्स, एव्स में ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं, क्योंकि क्लास एव्स में की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि इनके पास फेदर्स होते हैं, बीक होती है, विंग्स होते हैं फॉर फ्लाइंग। इनकी जो है ड्राई स्किन होती है, इन पे ग्लैंड्स नहीं मौजूद होते। इनके पास सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है, वो ऑयल ग्लैंड होता है। और इनके पास लॉन्ग हॉलो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। ईयर्स जो है इनके पास टिम्पैनम होते हैं जो एयर का काम करते हैं। इनका जो बर्ड्स होती हैं उनके पास जो है ह्यूमन्स की तरह फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। और जो इनके पास डबल रेस्पायरेशन सिस्टम होता है, मींस इनके पास जो है लंग्स तो होते हैं, उस लंग्स में एयर सिक्स भी मौजूद होते हैं जो कि रेस्पायरेशन का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी जो है इंटरनल होती है, ओविपैरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। इसमें जो है हमारी सिंपल बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे क्रो, पिजन, पैरट, पेंगुइन्स, पिकॉक, ऑस्ट्रिच एक्सेट्रा। नाउ द लास्ट वन इज द फाइलम मेमेलिया। द एज यू ऑल नो मैमल्स लाइक ह्यूमंस, इनके पास जो है मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मींस मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं। और जो है इनकी स्किन जो है हेयर से कवर्ड होती है, ताकि जो है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। टू पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। मीन्स जो है इनके जो पैर होते हैं लिम्स, इसे डिफरेंट काम करते हैं ना, रनिंग, चलते, भागते हैं, दौड़ते हैं। एक्सटर्नल एयर को हम पिनाए कहते हैं। फोर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट के, टू आर्टिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। डेनिशन इज हीट्रोडॉन, थीकोडॉन एंड डायफोडॉन। रेस्पायरेशन जो है हमारी लंग्स के थ्रू होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। और हम वीवी पैरस होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, इसमें ह्यूमंस, फ्लाइंग फॉक्स, प्लेटिपस, कैंगरू, मंकीज, काउ, कैमल, कैट, रैट, एलिफेंट। एंड फिशेस में जो है कौन आती है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, हॉर्स, टाइगर and lion. These are all the examples of class mammalia. This is all. I'm back with the next lecture, and today we are discussing about structural organization in animals. Ke animals ka structure kis tarah se organized hota hai, किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। क्योंकि
हम सब की बॉडी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलके ही पूरी बॉडी का शेप आता है। नाउ मूविंग ऑन, द वेरी फर्स्ट वन इज द टिश्यू। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो है सिमिलर सेल से मिलके बनता है और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एनिमल टिश्यूज जो हैं वेरियस टाइप के होते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो आउटर लेयर पे मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो है जेल लाइक फाइबर्स लाइक की फॉर्म में होते हैं, जो कनेक्शन में जो है इनका फंक्शन होता है। मस्कुलर टिश्यूज मसल्स में फंक्शन करते हैं और न्यूरल टिश्यूज ब्रेन के लिए होते हैं। अब जो है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत फ्री सरफेस होता है इनका, और जो है क्या कहते हैं फ्लैट सरफेस होता है। कवर्स और लाइंस बॉडी और बॉडी पार्ट्स, और जो है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइट तरीके से पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ की भी दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है और एक कंपाउंड लेयर एपिथेलियल टिश्यू होता है। सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू में सिर्फ एक लेयर होती है और मल्टी लेयर टिश्यू में जो है बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सिंपल एपिथेलियम के भी टाइप्स होती हैं। पहले सबसे पहले कि जो है सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर होती है और जो कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स को कवर करती है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इनकी थ्री टाइप्स होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम जो बिल्कुल फ्लैट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूब की शेप में होता है, और कॉलुमुलर एपिथेलियम जो कॉलम्स जैसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप में होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट होता है जिसकी बाउंड्रीज भी इरेगुलर होती हैं। इसका फंक्शन जो है ना डिफ्यूजन में होता है और जो है ये ब्लड की वॉल्स, लंग्स की जो है क्या कहते हैं एल्वोलाई में और ब्लड वेसल्स में जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है क्यूब लाइक होता है और जो है ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है इसका फंक्शन होता है। ये जो है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो है किडनीज में होते हैं। कॉलुमुलर एपिथेलियम जो है सिलेंडर जैसा होता है और जो है इनका न्यूक्लियस जो होता है ना वो नीचे होता है, मतलब बेस पे होता है। इनका फंक्शन भी जो है क्या कहते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ही होता है। एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम जिसमें जो है सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब को प्रोटेक्शन देता है। और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डकलेस ग्लैंड होता है, मतलब उसमें कोई डक नहीं होती, वो सिर्फ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो है सिक्रीशंस होती हैं। कैसी सिक्रीशंस होती हैं? जैसे स्लाइवा, म्यूकस, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स टाइप की इसमें सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं। जंक्शंस कहते हैं जोड़ को, जैसे हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, जैसे हम कपड़ों को जब सी रहे होते हैं तो टांका लगाते हैं, या कोई चीज़ टूट जाती है तो हम ग्लू से लगा के उसे जोड़ देते हैं, इस तरह सेल्स में भी जंक्शंस होते हैं। अब जो है जंक्शंस की भी टाइप होती है, एक टाइट जंक्शन होते हैं जिसमें जो है ना वो इतने टाइट होते हैं कि वो लीकिंग को जो है ना स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि सेल में भी लीकेज हो जाता है। अगर ये लीकेज हो जाए तो हम डेंजरस डिजीजेस जो हैं हमें हो सकती हैं। एडहेरिंग जंक्शंस, एडहेरिंग का मतलब होता है चिपक जाना। ये जो है ना सीमेंटिंग होती है एक तरह से सेल्स की एक दूसरे के साथ, ताकि जो है वो एक दूसरे से जो है अलग ना हो। गैप जंक्शंस का जो है काम होता है वो कम्युनिकेशन में होता है, ताकि जो है ना रैपिड ट्रांसफ़र हो आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों या जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स हों। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये फाइबर लाइक होते हैं और जो है ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होते हैं। सिवाय ब्लड के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन की प्रोटीन्स की मदद से बनते हैं, जो इलास्टिसिटी जो मतलब इलास्टिसिटी कहते हैं खिंचाव को, जो खिंचाव और ताकत, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यूज़ को।
अब जो है एनिमल टिश्यूज में जो है कनेक्टिव टिश्यूज की भी टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये होता है कि जो है टिश्यूज जो होते हैं ना वो बहुत ढीले ढीले एक दूसरे से जॉइन होते हैं। इसमें जो है एरुलर और एडिपोज टिश्यूज जो हैं इसकी एग्जाम्पल हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में ये होता है कि फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो है ना ये भी दो तरीके का होते हैं। एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें जो है ना बिल्कुल लेयर्स में बिल्कुल इक्वली बहुत अच्छे से जो है टिश्यू जो है पैक्ड होते हैं, और एक होते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पैक तो होते हैं लेकिन इरेगुलर पैटर्न होता है, लाइक यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर दैट दे आर इरेगुलर इन शेप। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में जो है कार्टिलेजेस और बोन्स आ जाती हैं। बोन्स और कार्टिलेजेस का काम क्या होता है कि हार्ड होती हैं और जो है ये जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जो कार्टिलेज होता है ना जब हम एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो ये जो है क्या कहते हैं बोन्स में तब्दील हो जाता है, और बोन्स जो है रिच इन कैल्शियम होते हैं, और अगर बोन्स में कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत पाई जाती है, जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसमें हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, ज़रा सी भी चोट लगने पे वो टूट जाती हैं। और बोन्स का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बॉडी को एक अच्छा सा फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम देती हैं जिस बॉडी को, ताकि जो है वो अच्छी लगे। अब है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं, मसल टिश्यूज़ वो होते हैं जो बहुत सारे मसल्स फाइबर्स से मिलके बनते हैं, और इनमें मायोफिब्रिल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का इनका काम होता है, ये भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो है हमारी मदद करते हैं। इनकी भी टाइप्स होती हैं लाइक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये जो है मसल्स जो है क्या कहते हैं हड्डियों में मतलब होते हैं, लाइक हमारे हैंड्स वगैरह में, ये स्टमक वगैरह में और हार्ट में भी ये मसल्स मौजूद होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं। मसल्स टिश्यूज़ की जो है एक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें जो है हमारा हाथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जब हम मूव करते हैं। नाउ न्यूरल टिश्यूज़। न्यूरल टिश्यूज़ जो है ब्रेन में होते हैं, ये जो है न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। इनका काम ये होता है कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है रखते हैं बॉडी में, और ये बहुत एक्साइटेबल लाइक करंट टाइप के सेल्स होते हैं। इनमें इम्पल्स, दे कैरी इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल सेल्स। न्यूरल टिश्यूज को न्यूरोलॉजिकल सेल्स प्रोटेक्शन कर देते हैं। ना ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। अभी जैसे मैंने शुरू लेक्चर में बताया था, सेल्स से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गेन सिस्टम। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। अगर एक की भी कमी रह जाए तो हमारे अंडर डिसेबिलिटीज पैदा हो सकती हैं, इसी ने इनको जो है कोऑर्डिनेशन इनका बहुत ज़रूरी है, सेल्स का टिश्यूज से, टिश्यूज का ऑर्गन से, और ऑर्गन्स का ऑर्गन सिस्टम से। और एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, लाइक हार्ट हैज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज। हाँ, हम थोड़ी सी जो है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कॉकरोच की। इसका जो बायोलॉजिकल नेम हो रहा है वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। ये क्लास आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टर से बिलोंग करता है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, जीनस इसका पेरीप्लैनेटा है, और स्पीशी इसकी अमेरिकाना है। दे आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल उसे कहते हैं जो रात में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आप लोग ने जैसे देखा भी होगा कि जो है कॉकरोच ज़्यादातर रात में निकल के आते हैं। ओमनीवोर्स मतलब ये ह्यूमंस और एनिमल जो है ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों की जो है ये जो है ना फीट पे जिंदा रह सकते हैं। इनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्राइट येलो होता है, ग्रीन होता है। और कॉकरोच है ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। कॉकरोच की जो साइज होते हैं बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक होते हैं, और जिसमें उड़ने वाले कॉकरोच भी आ जाते हैं। इनका साइज 1.4 inches to 3 inches मीन 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर तक के ये हो सकते हैं।
और एडल्ट कॉकरोच जो होता है वो 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी बॉडी जो है काइटिन से कवर होती है। अब जो है इसके जो ईच एक हर सेगमेंट जो है ना इसकी बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। हेड इसका जो है ट्रायंगुलर होता है और उसमें एंटीना भी होते हैं और इनकी हर एक जॉइंट के साथ जो है लेग का पेयर मौजूद होता है। मेल्स जो है लार्ज होते हैं, देन फीमेल्स विंग्स जो है क्या कहते हैं एक्सटेंड नहीं होती एब्डोमेन तक फीमेल्स की, और मेल्स का एब्डोमेन नैरो होता है और जो है फीमेल्स में ब्रूट पाउच जो है प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिक इम्पॉर्टेंस कॉकरोच की क्या है, ये जो है अगर ये किसी फूड पे बैठ जाएँ तो उसे बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और जो है उसको स्मेली कर देते हैं, और अगर ये किसी फूड पे बैठ जाएँ तो बहुत सारी बीमारियाँ भी कॉज हो सकती हैं जैसे क्लोरेला, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारियाँ ये कॉज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।